जो न्यू ईयर का ऑफर दे दिया, ये एक्सेसरी लगी ना सारी की सारी भैया फ्री लगा के देंगे। ये जो टायर है सबसे बड़ा इसका जो नई चीज है, ऑटो में आप पहली बार देखोगे कि इसमें जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर है गाइस। आपको ये ट्यूबलेस फर्स्ट टाइम किसी ऑटो के अंदर ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा, वो भी MRF की ब्रांडिंग हुई है इसके टायर पे। आज पियाजो शोरूम में, और पियाजो शोरूम में इसलिए आया हूँ क्योंकि थ्री व्हीलर्स आपको पता है पैसेंजर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो उन्हीं कमेंट्स के लिए मैं आप सबके लिए प्ले वीडियो लाया हूँ। तो आप देखो, आप सबके लिए एक पैसेंजर ऑटो लाया हूँ, ये मेरे पीछे लगी है, यहाँ पे चेसिस भी लगी है। तो यहीं पे आज रिव्यू करूँगा इसके जो ऑटो है थ्री व्हीलर, और इसके बारे में पूरा डिटेल करूँगा। मैं जुड़ेंगे विक्रम भैया, विक्रम भैया एज ए सेल एग्जीक्यूटिव हैं पूरे J&K, देखते हैं भैया विक्रम भैया। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो भैया के पास गाड़ी है ऑटो रिक्शा जो पैसेंजर में आती है, 2+1 है भैया, 3+1 है भाई, और 3+1 है। तो उसका जो शोरूम प्राइस है भैया कितना है, 2.30 लाख। हाँ जी, 2,30,000 का शोरूम प्राइस है, और फुल ऑन रोड इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से है ना, इसको परमिट लगता है परमिट के हिसाब से। हाँ, तो शोरूम प्राइस जो है 2.30 लाख है, और सबसे बेस्ट ऑफर भी है जो गिफ्ट दे रहे हैं ना आपको फ्री, वो 10,000 के दे रहे हैं। क्या एसेसरी जो सबसे ज़्यादा चेसी के बाद जो अगर किसी को चीज़ चुभती है वो है एसेसरी, क्योंकि आपको एसेसरी लगानी है, बहुत सारी चीज़ें आती है जो छोटी छोटी चीज़ें आती है जो चुभती हैं, तो भैया ने आपको वही सबसे अच्छा ऑफर दे दिया गिफ्ट। यहाँ पे आपको अंदर इस तरह से ऑटो देखेंगे जो पैसेंजर्स आते हैं, और ये BS6 मॉडल्स हैं सारे, 6 मॉडल हैं। तो ये किसी को बेच भी चुके हैं चेसी, देखो इस तरह से चेसी आती पूरी, इस तरह से एसेसरी यहाँ पे लगी है, ये सब पूरा बिक चुका है, संजीव कुमार के नाम पे है, इनो क्लस्टर पूरा लगा पियाजो का जो थ्री व्हीलर्स में आता है, ये देखो। तो ये है इस तरह से। आज मेरे साथ जुड़ेंगे विक्रम भैया जो इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो हेलो विक्रम भैया, विक्रम भैया जो पियाजो ऑटो है ये नया लॉन्च हुआ है जम्मू के अंदर, तो अच्छा इसका मॉडल है सिटी नेक्स्ट प्लस, मैं आपको दिखा दूँ गाइस, ये देखो सिटी नेक्स्ट प्लस, इसकी इन्होंने सीसी जो इंजन की सीसी है 230 cc तक की है, ठीक है, जो स्पेस है अंदर से वो काफ़ी बड़ी है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, तो नीचे की इस तरह से दिखेगी आपको, ये फ्रंट पे ड्राइवर इस तरह से देखने से सीट है उसकी उनकी, तो नीचे आपको स्टेपनी ही मिल जाएगी, तो यहाँ पे देखो आप इस तरह से। तो भैया इसकी इंजन कितना रहता है, इंजन 230 cc है, 230 cc का इंजन है, तो ठीक है। तो अभी जो मार्केट में ऑटो चल रहा है वो कितनी cc है, वो पहले 150 cc, अच्छा 150 से ऊपर आया नहीं अभी तक, हाँ 230 cc इंजन है, ठीक है, ठीक है, मतलब 30+ है, कंपनी रिकमेंड करती है, टूटी ऑयल के इसमें ऑयल बढ़ता है, अच्छा स्कूटी में सिंपल ऑयल डालते हो वैसे इसमें ऑयल बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी ने इसकी 3 इयर्स की वारंटी दी हुई है, ये देखो 3 इयर्स की वारंटी है, वारंटी लिखी सुपर वारंटी लिखी हुई है 3 इयर्स की, क्या अंदर कुछ भी होता है तो कंपनी आपको करके दी, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पियाजो ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है क्योंकि वो अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं, उन्होंने सुपर वारंटी दी है 3 साल के लिए, तो देखो ये सबसे अच्छा ऑफर दिया है पियाजो ने। क्योंकि उनको पियाजो को अपनी गाड़ी के ऊपर भरोसा है, अपने इंजन के ऊपर भरोसा है, इसलिए उन्होंने इसकी जो वारंटी है 3 साल की दी है। उसके बाद इसके जो टायर है सबसे बड़ा इसका जो नई चीज है, ऑटो में आप पहली बार देखोगे कि इसमें जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर है गाइस। आपको ये ट्यूबलेस फर्स्ट टाइम किसी ऑटो के अंदर ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा, वो भी MRF की ब्रांडिंग हुई है इसके टायर पे, तो ये ट्यूबलेस टायर है भाई। बाकी आपको हम इसका इंजन दिखाते हैं, चलो भाई अब इंजन विक्रम भैया हमें इंजन से इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, ये देखो भाई BS6 इंजन है, ये देखो इस तरह से इंजन देखने को मिलेगा, BS6 इंजन है जो इसका पियाजो का, पियाजो का ये बैटरी है इसकी, टाटा की बैटरी है,
ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो मेन प्रॉब्लम रहती है को कि जो टैंकी होती है वो लीकेज वगैरह, इसकी जो टैंकी है वो देखिए बिल्कुल मजबूत टैंकी 10 लीटर की, ठीक है, ऑयल आ सकता है। तो ये भैया ये क्या लगा है? ये इंजन का है, अच्छा 230 cc का इंजन है। इस तरह से पूरा अंदर सिस्टम लगा हुआ पूरे, और ये सॉलिड इसका जो बैक डोर है जो लॉक करने का, जो पहले कभी नहीं आया, पहले वो होता था सॉलिड है, आराम से लॉक कीजिए। अच्छा बैक इंजन हार्ट इस तरह से है। उसके बाद जो पहले गाड़ी आती थी उसकी जो ये सिस्टम यहाँ तक होता था कवर, इन्होंने इसको सपोर्ट दे दिया पूरी नीचे तक। हाँ ठीक है, गाड़ी आपकी बिल्कुल सपोर्ट है उस गाड़ी, काफ़ी हार्ड है। उसके बाद इसके पीछे जो लगेज स्पेस दी है, हाँ कुछ भी आप बैग रख सकते हो, इतनी लगेज स्पेस नहीं आई इसमें, लगेज स्पेस आई, कुछ भी आप रख सकते हो, है ना। आपने जब भी ऑटो लिया होगा वो आपको उस कंडीशन में मिलेगा, मतलब कि रिपेयर वो कवर नहीं करके देते हैं, ऐसे ही आपको जैसी मिली होगी कभी एजेंसी हमारे यहाँ से, अगर आपको लोगे पूरा सेटअप फिनिश करके आपको, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आपको बैक लाइट है एक गाड़ी की तरह देखने को मिल रही है, पूरी इसकी ये अपना अच्छा नंबर प्लेट लाइट मिलेगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे बैक पे आपको पियाजो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, हाँ। और बैक साइड से आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी गाड़ी का इंटरफेस देखने को मिलता है भाई साहब, इस तरह से पियाजो एक जानी मानी कंपनी है पियाजो। तो अंदर बैठ के मैं ऑटो चलाने लगाऊंगा इस, तो आप सबके लिए थैंक यू, आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देता हूँ, मैं ऑटो चला लेता हूँ। यहाँ पर मीटर लगा है, अभी तक किसी ऑटो में आया नहीं, इसमें आपको फ्यूल पता चलता रहता है अपना, फ्यूल टैंक कितना है कितना नहीं है वो, इसका मीटर भी लगा हुआ है डिजिटल मीटर, ठीक है। मेनू पूरा यहाँ पे लगा हुआ, आपको स्पीड कितनी आपकी, फ्यूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई बीम मिल जाएगा, इंजन में कोई प्रॉब्लम है उसका साइन मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं, ये इस तरह से देखने को मिलेगी ये पूरा क्लस्टर इसका। तो यहाँ पे वाइपर का सूची दिया है, ये हाई बीम लो बीम का है। तो ये एक है भैया पार्किंग, ओके ओके ओके, मैं आपको पार्किंग लाइट दिखाता हूँ उसकी कैसे दिखने को मिलती है। ये देखो इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है भाई पियाजो ने, अपने कस्टमर को देख के एक अच्छी सी चीज़ बना दिया, मार्केट के अंदर चलेगी ना भाई, एक अच्छी सी चीज़ है ये बस। ये देखो ये था पार्किंग ऑप्शन, यहाँ पे मीटर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ये देखो। तो इसको पहले हम करेंगे बंद, ये कर दिए बंद। तो ये आपको यहाँ पे फ्रंट पे डिस्प्ले का भी है हाइड्रोलिक, फ्रंट में इसका जो बैक है वो भी फ्रंट पे है, आपको बैक गियर भी हाथ में है, अच्छा हैंड ब्रेक भी हाथ में है ये आपके पास, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहले होता था ऑटो की बैक गियर यहाँ पे होती थी, यहाँ पे होती थी, पीछे करने से उसकी तार वगैरह टूट जाती थी, हाँ ब्रेकेज होती थी, ठीक है। तो किसी को अगर स्पीकर लगाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो ये देखो भाई ये क्या भैया डॉक्यूमेंट्री के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको यहाँ पे बॉक्स दिया, आप यहाँ पे रख सकते हो डॉक्यूमेंट। इसमें एक और बात है कि इसकी जो हाइट है दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा है, आपको स्पेस दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग जो थोड़े ऊँचे होते हैं, ये देखो कितनी ज़्यादा स्पेस अभी भी है, ये देखो हाँ काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, कंफर्ट गाड़ी है बिल्कुल। भैया कितने लंबे फिर भी टांगी, आप डिस्टेंस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गैप है अभी भी। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा दिया है, और भैया बेनिफिट क्या इसका, बैठने का स्पेस है, पहले हम जब बैठते थे जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी जब अभी बैठ हाँ ठीक ये लगती थी, अभी अगर भैया इस तरह से बैठे फिर भी आप देखो आराम से बैठा हूँ, आराम से आप बैठ सकते हो। लगेज स्पेस भी देख ली काफी, तो उसको पीछे बैठा सकते हैं आप, पीछे भी बैठा सकते हो आप, ठीक है ना, इतनी स्पेस बना दी, मतलब कि आपको अगर इसकी यहाँ से भी अगर यहाँ से निकाल दोगे आपको इसको मारुति बना सकते हो भाई, इतनी यहाँ स्पेस है, मतलब मारुति वाली स्पेस ही बोल सकते हैं अगर टू व्हीलर ना हो तो। इंजन में इसके शॉकर लगे हैं, मैं आपको बताता हूं इंजन में, जो इंजन के पीछे जो है आपको शॉकर दिखाता हूं गाड़ी के शॉकर। भैया कुछ नई चीज़ दिखाने लगे, ये देखो आपको यहाँ पे दिखा दी, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप अपना। अब आपको देखते हैं लाइट मार, लाइट मार लेते हैं, वो शॉकर देखिए गाड़ी को, वो शॉकर हाँ हाँ ठीक है ऐसे शॉकर आपको कारों में मिलेंगे, वो जो लोडेड गाड़ी होती है जिसमें लोड पड़ता है ज़्यादा उनके, ये हाइब्रिड शॉकर दिए, हाइब्रिड शॉकर है, ऑटो में अब तक ऐसा शॉकर नहीं आया। अच्छा जी, जो सवारी पीछे बैठेगी वो कंफर्ट में रहेगी, उसको कोई जंप वगैरह कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं लगेगा होगा, चाहे वो जिस मर्जी खटे में
तो भाई इसकी शोरूम की प्राइस की बात करेंगे, शोरूम प्राइस 230 है इस टाइम चल रही है, लेकिन ऑफर चल रहा है कुछ? ऑफर चल रहा है कि इस टाइम रेट बढ़ा हुआ है गाड़ी का, ठीक है, लेकिन अभी सुनने में आया कि जनवरी में भी बढ़ेगा। हाँ जी, जनवरी में रेट बढ़ा हुआ है। तो भाई आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो व्यूअर्स को, मतलब कि जो हमारे कस्टमर है उनके ऑफर? डिस्काउंट अभी इस समय 230 की हम आपको दे रहे हैं शोरूम प्राइस, उसके बाद इसका इजी फाइनेंस अवेलेबल है हमारे पास, जेके बैंक और पीएनबी बैंक और यूनियन बैंक सब मिलकर इसको फाइनेंस कर रहे हैं। आप कहीं भी अगर प्रेफर करोगे हम आपका फाइनेंस करा देंगे बिना गारंटी के, मतलब कि फाइनेंस इसका हो रहा है। पहले होता था तो भैया डाउन पेमेंट क्या रहता है अगर कोई भी आता है बैकवर्ड? जैसे बैकवर्ड लोग आगे कहीं जैसे दूर पार के लोग होते हैं उनको बेचारों को नीड होती है, तो थोड़ा सा वो उनको रहता है कि हाँ एक प्रॉपर गाइडेंस हो कि क्या लेके आना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या? डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ये पैसेंजर गाड़ी है इसमें परमिट लगता है, ठीक है। परमिट के लिए डोमिसाइल चाहिए होता है, डोमिसाइल, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और डाउन पेमेंट और लाइसेंस। हाँ डाउन पेमेंट आप 30-35 हज़ार से गाड़ी आपकी मिल जाएगी आपको, मिल सकती है 30-35 हज़ार रुपये में। भाई अपना जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हो प्याजो गाड़ी पैसेंजर का, ठीक है। एक ऐसी गाड़ी है ना यहाँ पे आप पैसा लगाओगे आपको कमा के देगी, ठीक है। और ये सबसे अच्छा चीज़ है आप सबके लिए, ये देखो प्याजो की अभी बहुत सारा स्टॉक लगा भी है के पास, जैसी 230 की है ऐसे करके। अच्छा ऐसे ये ना, ये हम अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, वैसे तो जैसी मिलती है वैसे ही मिलती है। अच्छा अच्छा, ये आप खुद लगा के दे रहे हो भाई? सबसे अच्छा तो भैया कितने का खर्चा लगता है बाहर फिटिंग कराने का? ठीक है, आपको भैया ने 7,000 का डिस्काउंट ऑफर दे दिया, जो न्यू ईयर का 5,000-7,000 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जो आपकी एक्सेसरी लगी ना सारे भैया सारी की सारी भैया फ्री लगा के देंगे, क्योंकि ये आपकी 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही लगती है तिरपाल लगा के। इनकी जो ग्रिल्स लगी हैं इस तरह से आपको सबसे बेस्ट ऑफर दिए 10,000 में, तो आप किसी टाइम भी यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो मैं भैया का नंबर दे दूँगा विक्रम भैया का, ठीक है भैया? तो ओके गाइस बाय।